कड़वा सच के सभी व्यूवर्स सब्सक्राइबर्स को रूपालाल का प्यार भरा नमस्कार। आज आप सभी दर्शकों से एक सवाल है कि क्या किसी आईएएस ऑफिसर को ये हक दिया गया है कि वो अपने स्टाफ के साथ हाथापाई करे, बदसलूकी करे, उसे लाठी से मारे पीटे। अंडमान में ये पहली बार नहीं है कि किसी आईएएस ऑफिसर ने अपने पद का मिसयूज़ किया हो, और जब बात हरी कलिकट की आती है तो ये आम बात लगती है। हरी कलिकट के अगेंस्ट ऑलरेडी लास्ट लॉकडाउन के समय में भी काफ़ी सारे कंप्लेंट्स थे, जिसमें उन्होंने किसी के साथ में हाथापाई की थी, एक पुलिस ऑफिसर के साथ में गाली गलौज किया था उनके ड्यूटी करने पर, और उन्हें काफ़ी ह्यूमिलेट किया था, जिस पे पुलिस के आला अधिकारियों ने उसे गंभीरता से लिया और वापस हरी कलिकट को उसी नाके पर चेकपोस्ट पर बुला करके माफ़ी भी मंगवाया था। साथ ही साथ एमईएस बिल्डर एसोसिएशन के जो हेड हैं मिस्टर सुरेश, उनके साथ में भी हरी कलिकट का चैम्बर में काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुआ था, बहुत ज़्यादा बात बढ़ गई थी, वो भी डीसी ऑफिस में हाल फिलहाल सभी को पता था। बार बार का इस तरह का अड़ियल रवैया, गाली गलौज करना, शॉर्ट टेम्पर्डनेस दिखाना अपना, ये कहाँ तक सही है और कब तक ये इसी बर्ताव को दर्शाते रहेंगे और प्रशासन इसे बचाते रहेंगे। फिर एक बार हरी कलिकट ने अपना टेम्पर लूज किया है और इस बारी 54 इयर्स विनोद राम जी को अपने चैम्बर में बुला करके लाठियों से बुरी तरह मारा है। साथ ही साथ उनका मोबाइल छीन लिया गया, सीसीटीवी फुटेज टेम्पर्ड करने का भी आरोप इन पर लगाया गया है। आइए हम आपकी सीधी बात करवाते हैं विनोद राम जी से और जानते हैं कि 25 तारीख की शाम को इनके साथ क्या कुछ हुआ। मैं अपने साहब के पास गया ऑर्डर लेके, साहब मुझे कोई एक जगह का काम दीजिए, मैं दो जगह का काम नहीं कर सकते। तो उसने कहा तुझे और भी बहुत काम करना है, अभी जाओ मेरे एसडीएम के चैम्बर के सामने बैठो, मैं आता हूँ। जब मैं उनके रूम में गया, मुझे बुलाया अपने रूम में और बोले तू क्या डिप्टी कमिश्नर हो अंडमान के? तो बोले नहीं साहब, मैं ऐसा तो कुछ नहीं हूँ, मेरा नी का प्रॉब्लम है, मैं अपने प्रॉब्लम आपको बताने आया, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। तो उसने बोला सर जब मुझे प्रॉब्लम है तो मैं किससे कहूँगा सर, अपने ही ऑफिसर से कहूँगा? तो उसमें वो एकदम क्रोधित हो गए और बोले तू बहुत ज़्यादा को हो गए, मैं तुझे देखता हूँ बोला। और उसने पीछे से गए आए मुझे घूरते हुए मुझे बोला, बस घूरते हुए बोल के मुझे इतना जोर जोर से डंडा से मारे है, और मारने के बाद में फिर वापस जाके अपने रूम में बैठे। अब मैं तुझे बताता हूँ, तो जब मैं अपने फ़ोन उठाने की कोशिश किए जेब से, तो भाग के आके मेरा फ़ोन छीन लिए, मेरा फ़ोन छीन के छीनने से मैं पलटी हो गया पीछे और मुझे चोट सर में लगे, मैं चक्कर आ गया। उसका बाद में कुछ समय का बाद में मुझे होश आया, तो लेकिन साहब ने मुझे नहीं कुछ मदद किए, मैं बाहर आके बैठा तो एक लड़का बाहर थे, उसने मुझे पानी के पूछे, मैंने कहा नहीं पानी मुझे नहीं चाहिए, तो फ़ोन पूछा था, फ़ोन अंदर है, तो मैं बाहर बैठ गया। उसके बाद में ऑफिस में एक मैडम आई, वो बुला के 7:25 या 7:30 के आसपास की बात है, मैं वो ऑर्डर लेने के लिए वो साइन किया हुआ है रजिस्टर में, डाक रजिस्टर में मैं साइन किया हूँ और समय भी मेंशन किया हुआ है, इस समय मुझे एक ऑर्डर और पकड़ाई गई है। और उसके बाद में वो 8:45 तक बैठे थे, उसके बाद में वो चले गए, जाते जाते सीढ़ी से उतर के बोले मैं तुझे तेरा नौकरी से तुझे डिस्कनेक्ट करके ही मैं यहाँ से जाऊँगा बोला। गुड मॉर्निंग गए थे कि हम डीसी का नॉलेज में डालेंगे, लेकिन मुझे तो ये मेडिकल में उस हालत में मिले तो मैंने तो यहाँ से एक्शन लेना ज़्यादा बेटर समझा, तो हम वहाँ से सीधा थाना से हम जो भी कॉपी उपी था सब कर करके हम अपना हस्बैंड का पूरा जो भी था वो ट्रीटमेंट करा के हम उनको घर लेके आए, क्योंकि उनको बेड रेस्ट ज़्यादा जरूरी थी। तो उसके बाद में
पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मुझे डीसी के स्टाफ का कॉल आया कि वो भी करीब 7:30-8 बजे का करीब होगा, तो कॉल आया, मतलब उनका स्टाफ का आया, मुझे डीसी के का नहीं कॉल नहीं आया, उनका मुझे कॉल आया कि थोड़ा बात करेंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्योंकि मैंने कंप्लेन दे दी थी वहां पे, तो थोड़ा सा बात करके थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जो भी बात है हम लोग सेटल करेंगे करके। हम बोली ठीक है, अगर वो बुला, मतलब वो मिलना चाह रहे, क्योंकि मॉर्निंग में तो इनको मिले नहीं, वो मिलना चाह रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जाके, इससे पहले जब ये इनको मैं ऑर्थो मेल वन में इनका प्लास्टर हो रहा था, उस वक्त भी उनका एक स्टाफ मुझे मिला, तो वो भी बोल रहा था कि आपको डीसी से मिलना चाहिए, तो ये बोल के वो चले गए। तो हम बोले ठीक है, हम जाके फिर डीसी से मिलेगी। हम गई, काफी देर हम बैठी वहां पर हमको नहीं मिले, हम रिटर्न आ गए हॉस्पिटल, इनको फिर जो भी था प्लास्टर सब करवा के हम घर लेकर आ गए। घर लाने के बाद में रात को करीब यही 8 बजे करीब उनका कॉल आता है कि कॉम्प्रोमाइज, थोड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करेंगे, थोड़ा हल निकालेंगे, थोड़ा चलिए हमारे साथ। गाड़ी भी उन्हीं का डिपार्टमेंट का ही था, वो अपने ही साथ, मतलब डिपार्टमेंट की गाड़ी में अपना लेके गए। हम लोग चैम्बर में, उनका डीसी के चैम्बर में हम लोग बैठे, बैठ के हम लोग बात करें, तो वो मतलब ये कह रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुंह से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ उनसे गलती हो गई है। कौन एक्सेप्ट कर रहा है? हरी कलिकट एक्सेप्ट कर रहा है सर? हरी कलिकट वहां पर मौजूद नहीं थे, वहां पर डीसी मौजूद थे और उनका दो स्टाफ मौजूद था, तो वो मतलब उनका जो दो स्टाफ वहां पर मौजूद था, वो मतलब बार बार यही कह रहे थे जो होना था वो हो गया, अब इस केस को विड्रॉल कर दो, मतलब सुलटा दो इस केस को, क्योंकि किसी भी आईएस को कोई सजा नहीं होती। ऐसा किसने बोला? ऐसा वो उनके एक स्टाफ ने, मतलब इतना है कि उनका कोई सजा नहीं होती, कुछ नहीं होता है, मतलब आगे केस करके आप लोग को कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैंने केस किया है तो मैं अपने हस्बैंड के, क्योंकि उनको मारा गया है करके मैंने केस किया है, उनका जॉब के लिए मैंने केस नहीं किया जी। जैसे मैंने कि मेरे हस्बैंड के साथ में अब हो चुका है, गलती हो चुका है वहां पर, तो कोई है कि मैं विड्रॉल कर लूँ, किसी भी हालत में मैं विड्रॉल कर लूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड के साथ अब गलती हुई है, इतनी बड़ी गलती हुई है, मैं सिर्फ न्याय चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि न्याय हो, और मुझे भरोसा है प्रशासन पे, मुझे है कि भरोसा कि मुझे न्याय मिलेगा। कड़वा सच हमारे दीपो के मुख्य सचिव और सभी आला अधिकारियों से ये अपील करता है कि इस आईएएस ऑफिसर हरी कलिकट, जो कि अभी एसडीएम के पद पर कार्यरत हैं, उनके अमानवीय व्यवहार को गंभीरता से ले और इन पर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि आम जनता का विश्वास आप सभी पर बना रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।